एंड वेलकम टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल। तो आज चचा के डालने वाले हैं मुंगौड़ी। ये आज हम मुंगौड़ी डालने वाले हैं क्योंकि अब जाड़ों के टाइम पे जो मूंग की मुंगौड़ी होती है वो डालते हैं, वो बहुत टेस्टी होती है। तो उसको हम खाते हैं भात के साथ ना, और उसकी सब्जी भी बनती है। एडजस्ट हो जाएंगी। हाँ छुट्टियों में काम भी हो जाएगा, इसीलिए चचा ने यहाँ पर को मूंग की मुंगौड़ी डाल रहे हैं। तो उसमें आपने क्या क्या मिलाया है? उसको कल शाम मैंने ये जो मूंग जो थे ना, एक डेक में डाल ना। हाँ अभी जबरदस्ती घरेलू काम में भी चचा को पढ़ना पड़ रहा है। एक ही तो बात होती है वो इससे। हाँ एक उंगली से बस छोटे छोटे बनते हैं। हाँ ये मानसी के थोड़े दूर दूर हो रहे पर तो ये जो टिन है चचा ने पहले बहुत साफ करा है, उसके बाद आप भी अपने जो भी टिन इस्तेमाल करें उसको पहले साफ धूप कर लें। आज धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है तो ये मौसम भी अच्छा है आज डालने के लिए ना। हाँ सही से बैठ जा। My God. बाहर का सीन भी ऐसे एक हाथ में लो कैसे सीन कैसे बताओ फिर से। ऐसे हाथ में लो ना अच्छा मैं समझ गई। से वो जब हम लोग जौ वो जब चढ़ाते हैं भगवान को उस टाइप में हाथ में बहुत सारे लेके फिर किक। हाँ ये बात यही कह रही थी चाची जैसे कड़ी भगवान में डूबे हुए नहीं चढ़ाते अच्छा तक तक। हाँ वैसी हुआ है टुपके जैसे रखने ठरे मत पर जी टुपुक पकड़ने के लिए वहाँ से अभी सूख जाते हैं और ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, ये पच वच भी जाते हैं। कोई बात नहीं बस ताकत पर होता है सेहत के लिए बहुत जबरदस्त ताकत। मूंग तो ऐसे बीमार ऐसे कोई होता है उसको भी तो खिलाते हैं। इसलिए मूंग खिलाया जाता है क्योंकि उसको ताकत आई वीकनेस हो जाती है ना, कमजोरी हो जाती है अंदर से, शरीर उसका कमजोर हो जाता है। अच्छा तो मूंग की यदि दाल वो खिचड़ी वगैरह खाएगा तो इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें जल्दी सुधार। हाँ वो ही ना, तो ये मतलब सेहत के लिए और पेट के लिए भी तो अच्छा होता है। हाँ यही मैं भी कह रही थी डाइजेशन में भी इसका विशेष रोल है और ताकत इस पर जबरदस्त होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है मूंग में। वही चचा के पीछे से तो अच्छा है ना पहाड़। सवेरे मूंग को अंकुरित करके खाया जाए जो साबुत मूंग होते हैं तो उससे इंसान हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा। मतलब ओके साबुत मूंग मतलब शाम को डाल दिए सवेरे उनको, लेकिन खाने की उसमें ताकत होनी चाहिए, हर कोई खा नहीं सकता। आजकल सब लोगों को टेस्टी चीजें पसंद है, कौन खाएगा वो। हाँ स्वाद नहीं होता होगा ऐसी साबुती हुए स्वाद के उससे नहीं, यदि आप हेल्थी के उससे उसको खाएंगे तो आपको हेल्थ को सही मतलब सुधार होगा उससे जी। अब लोग खाने वाले थे मुंह में वो बर्गर चाउमीन अब ऐसा स्वाद लोग क्या हम भी खाते। आज से मैं भी मूंग की खाना खाऊंगी। मूंग की खिचड़ी भी तो बहुत टेस्टी होती है, बड़ों से ज्यादा अच्छे वैसे मेरे को मूंग लगता है। आपको बड़ी की वो बड़ा मतलब थोड़ा ठंडा टाइप का होता है शायद। हाँ। ककड़ी का बनता है वो। हाँ। लौकी का भी तो बनता है ठंडा होने वाला हुआ है। और जो मूंग जो होता है और मूंग पत होता है पत पत क्या और हाँ आज तो वो भी है भैया दूच भी है। अभी फोन ऑन आया नहीं, कितने बजे जा रहे हैं वहाँ मेरे बाबू तो। गाइस आज जो है भैया दूज भी है और अभी चचा जो है अभी यहाँ पर को मूंग के वो डाल रहे हैं मुंगौड़ी, उसके बाद चचा बुआ के वहाँ भी जाएंगे। सभी लोग जाएंगे मतलब हमारे पापा लोग वगैरह, क्योंकि बुआ का सुबह कॉल आ गया था कि आना करके, तो इसके बाद अभी फटाफट से डालने के बाद हम लोग भी वहाँ भी जाएंगे। इसके साथ ही आज मूवी को बगवाली है और दीपावली का समापन भी हो जाएगा। अरे हाँ आज दीपावली का समापन भी हो जाएगा, आज बगवाली है और जो मैया है वो कल वो निकाल देते हैं ना, और जो हमने इतनी सुंदर सुंदर मैयाएं बनाई है कल हम उनको मतलब निकाल देंगे। और 15 दिन बाद बुढ़ दिवाली आएगी, ये चचा ही बता दो आप ही बता दो। सो गाइस आज जो टीका करते हैं ना उसमें पता है कैसे प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम टीका लगाएंगे ठीक है सामने वाले को,
और उसके बाद हम तेल लेंगे सरसों का, उसमें हमने दूबा डाला होगा तो उसको दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे यहाँ पे लगाते हैं मस्तक में, माथे में लगाते शायद, हाँ माथे पे लगाते हैं। और फिर वो चूड़े नहीं होते हैं उससे उसका जीरिया जागीरिया बचीरिया ऐसे करके उनको फिर वो चूड़े से करते हैं। तो ये आज का टीके की पूरी प्रोसेस होती है। सो आज जो है गरिमा कुछ कहना चाह रही है कि कल दीपावली, आज दीपावली खत्म हो जाएगी। हाँ, जो हमने मैयाएं बनाई हैं वो हम कल निकाल देंगे और डेकोरेशन भी निकल जाता है। मुझे सबसे बुरा यही लगता है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इतनी मेहनत से पहले बनाओ तो इतनी मेहनत से निकालो। वो यार मुझे भी, मतलब अभी पता है क्या हो रहा है, मंदिर में ऐसे देख के लग रहा है कि वही बैठे रहे और देख ही रहे तो सुंदर लग रहा है, और अब जब निकाल देंगे फिर वही हो जाता है, मजा नहीं आता है। और वैसे आज वो है चूड़े रखते हैं, क्या बोलते हैं उसे, भैया दूज। हाँ भैया दूज है, आज चूड़े रखते हैं। और अभी ये नहा के आइए, इसके सिल्की बालों में हम तेल लगा देंगे, हम लोग ऐसे ही करते हैं। सो गाइज यहाँ पर को इधर साइड पे दूसरी चाची ने भी वो लगा रखा है, क्या बोले हैं ये क्या है, गेहूँ। इसको भी चाची ने भिगा सुख मतलब धो के फिर सुखाने के लिए रखा है। ये मेरी परछाई कैसी आ रही देखिए, ये देखिए। और ये गरिमा है, इसके ना एग्जाम्स हैं, ये बोर्ड स्टूडेंट है। और इसकी पढ़ाई देखिए कैसी चल रही है, पढ़ क्यों नहीं रही, क्या पढ़ी तू आज दिखा, अरे कॉन्टेंट नहीं दिखाते शायद से, हाँ ना वो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा शायद। वाओ गाइस व्यू देखिए आप, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं? मेरी पीसीबी है। अच्छा, और तैयारी आपकी कैसी चल रही है? तैयारी मेरी इतने भी कुछ खास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट थोड़ी ठीक ठीक उतनी कुछ। तो पढ़ 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 क्यों नहीं रही हो गंदी बच्ची, मैं ठीक है मिटा देती, नहीं मिटाया। तो गाइस इसका बोर्ड एग्जाम्स है, और इस बार बोर्ड एग्जाम कब है सीबीएसई के, फरवरी में। इसके पास बहुत कम समय गाइस, ये साउंड थोड़ा अजीब कर रहे हैं। चलो फिर पढ़ाई करो, ये बच्ची पढ़ रही छत में धूप में। और यहाँ पर कोई इनकी गप्पे भी चल रही है, मतलब ये लोग मूंग की वो भी डाल रहे हैं, मूंगौड़ी। बार बार मेरा मुंह से तो बड़ी निकल जा रहा है जबकि वो मूंगौड़ी है। ये है रजनी दीदी, अरे चुप गई। गाइस ये लड़की ने पढ़ लिया धूप में, और ये पूरे 5 मिनट पढ़ा है इसने, बाबा हो बहुत बढ़ दिया, थोड़ी देर रेस्ट ले ले 2-3 घंटे का। इसी के साथ इनके इतने बड़े डल चुके हैं, अभी बहुत डलने हैं, इसमें थोड़ी महीन काम टाइप का होता है। सो ये देखो यहाँ पर को मानसी, आप बताइए किसने ज्यादा अच्छा डाले, ये हम इधर साइड मानसी, किसने मात्रा किसने ज्यादा डाल रखी है, क्वांटिटी में कहाँ पहुँच गया, वो कहाँ पहुँची है, और जेंट्स वाला काम कम करते हैं, लेडीज ज्यादा करते हैं। फिर भी वो पहली बार कर रही है, घर में कभी बर्तन नहीं लाती वो। तो ये देखिए गाइस इधर साइड है मानू के और उधर साइड है चचा के, चचा ने बहुत ज्यादा डाल दिए हैं और दीदी ने बहुत कम डाले हैं, पर दीदी एकदम लाइन से डाल रही है। सफाई देखो ना काम में, सफाई देखी जाएगी यहाँ निकल के, तो वो एक ही थाली में आ रहे हैं सब। सफाई से पेट में ही है निकलना बस। क्यों आस पड़ोस वाले लोग सजावटी तो देखेंगे ना चाची, जो छत में देखेंगे अरे मूंगौड़ी डाली थी, तो बराबर डाली है। उससे क्या होगा मतलब, उससे कोई कोई ऐसी क्या करा सवेरे से, क्या करा है इतना, ये मांस पीसे कुए बनाए और क्या देवताओं में दिया जलाया, और वो चूड़े महालक्ष्मी को चूड़े चढ़ाए। ओके बस, और जो चाची तक काम रोज करती है इसका दुगना बेटा। हाँ अपने दो चीज कर दी बाप, उसके साथ पढ़ाई की वीडियो बनाई, बच्चों को पढ़ाया ट्यूशन बाप, आपने छुट्टी। सो गाइस ये देखिए व्यू कितना प्यारा आ रहा है ना यहाँ मोड़े में, मतलब एक साल में तुम्हें जितना तुम एक्टिविटीज कर सकते हो उतना करो, खाना वाला बनाने का बढ़ा लो। ये देखो लोग छत में धूप सेक रहे हैं, जाड़ों में क्या होता है ना लोग अंदर कम बैठते हैं सोना, मतलब दिन में तो नींद आती ही नहीं है जाड़ों में, गर्मियों में आती खतरनाक, जाड़ों में धूप में ही बैठे रहो मजा आता है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना, ये हमारी छत से ना चचा लोग की छत से बहुत तगड़ा व्यू आता है, पूरा गोल करके व्यू ही व्यू है। देखो इधर साइड भी व्यू है, इधर भी व्यू है, इधर साइड भी व्यू है, ये पेड़ कितना प्यारा लग रहा।
बस अब खत्म होने ही वाले हैं। बाबू मानसी तो बड़ा, मतलब ये अब लाइन कहाँ को जाएगी चच्चा आपकी, ये कहीं पे भी कर दोगे? मतलब वो स्ट्रेट लाइन थोड़ा है बेटा, जानी चाहिए जो कहीं को भी जा सकती वो लाइन। मसाला खत्म हो चुका है, पहले इकट्ठा कर दो। फाइनली चच्चा और दीदी को आ गया डालना। मुझे तो नहीं आया। चच्चा ने पहली बार किया क्या? चच्चा पहले कर चुके हो? मैं तो करते रहता हूँ बेटा ऐसा काम। दी तूने? तू तो पहली बार ही किया है ब्रो, सॉरी टू से। मैंने कब का 10 बार कराया है। ये नहीं लिया होगा, दे देती हूं। ले रखी है। फाइनली गाइज इन दोनों ने मिलके पूरा कर दिया। ये देखिए कितने प्यारे दिए हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसने कौन सा दिया है, कौन सा किसने दिया है, मुझे आ रहा है क्योंकि सब अच्छा। बस यार वैसे कह रही मैं, मतलब दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए अब ये सूखेंगे ना, फिर ये खाने बहुत टेस्टी होते हैं। इसको पका के खाते हैं। हाँ ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसी के साथ हमने मुंगौड़ी जो है डाल दी है, मतलब दीदी और चच्चा ने मिलके सुंदर सुंदर सी मंगौड़ियाँ डाल दी हैं। और अब हम वीडियो को यहीं पर को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।